हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टूडियो विच इज अपार्टमेंट अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज के जो पेपर को देखने के बाद ये समझ आया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई हो रही है आपकी, क्योंकि कल शाम को जो मैंने कराया कई सारे सवाल हूबहू आज देखने को मिले हैं, हूबहू, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, एनालिसिस कहीं देखी होगी, तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो जरा बताना सर, बिल्कुल आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो देखो, जो आज सवाल है, यानी फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ना, बिल्कुल हूबहू कई सारे सवाल पूछे गए, हूबहू, कोई चेंजेस नहीं है। बहुत मजा आएगा आज के सवाल देखने के बाद। और आज पता है 2 घंटे की क्लास लगातार, 2 घंटे, यानी आज एनालिसिस देखेंगे जो 22 जनवरी को पूछा गया है, और फिर एक्सपेक्टेड मैं आपको वो बताऊंगा कि आपके आने वाले समय में जो पेपर होंगे, खासकर फेज 3, उनका पेपर कैसा रहने वाला है, उनका पेपर कैसा रहने वाला है। और जिन बच्चों का पता ना चल पाया है फेज 3 में हमारे पेपर हैं या नहीं है, उनको बता दूं कि उनके लिए फेज 4 आपको देखने को मिलेगा। यानी अब फेज 4, तो वेट एंड वॉच, इंतजार करिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। चलिए आइए देखते हैं। तो ये वो टीम जो सीबीटी 2 के लिए बनाई गई है, सीबीटी 1 में मैंने आपको पढ़ाया और अभी भी पढ़ा ही रहे, तो ये सीबीटी 2 खासकर देखने को ये मिलेगा, क्योंकि गलाकाट प्रतियोगिता है सीबीटी 2 में भी 50 सवाल आपको जीएस के देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो केवल ग्रुप डी की तैयारी या फिर सीबीटी दोनों, तो आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। रेफरल कोड क्या यूज करना पड़ेगा? BA BA 10। भाई मेरे एसएससी में डिटेल कोर्स चल रहे हैं जहां मैं बिल्कुल डिटेल पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी और अपग्रेडेड, क्योंकि मैं फाउंडेशन पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपको लगता है सर कि बिल्कुल मुझे जुड़ना है, तो आप सबका स्वागत है अनअकैडमी पे जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जबकि हमारे स्पेशल क्लास अब जरूर जुड़े, स्पेशल क्लास से बहुत फायदा होगा, खासकर आज सुबह 10:05 पे जो क्लास हुई थी, है ना भाई। देखो तो सवाल ये कहता है कि वेयर इज द पंचवटी स्कीम डिराइव्ड, पंचवटी योजना कहां से ली गई है, पंचवटी योजना कहां से ली गई है। पंचवटी योजना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पंचवटी योजना कहां से ली गई है, हिमाचल प्रदेश, यानी पंचवटी योजना लॉन्च की गई है, कहां लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, कहां भाई, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो पंचवटी योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है, पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश में, इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। आपको याद है कि मनरेगा योजना से आपको पता होना चाहिए, मनरेगा योजना पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी कब ऐड किया गया था, 2009 में, और मनरेगा के तहत काम की गारंटी, यानी कितने दिनों की, तो 100 डेज की गारंटी है काम की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, आ रही बातें समझ में। आगे देखो, एक मार्ग का मुख्यालय, देखिए पढ़े हो कभी, एक मार्ग का मुख्यालय, एक मार्ग यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आपको पता होगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीजें हैं, एक मार्ग उसी से संबंधित है, तो एक मार्ग का मुख्यालय कहां है भाई, फरीदाबाद हरियाणा। तो एक मार्ग ऑफिस कहां, हरियाणा में है, और इसकी जो शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1937 में की गई थी, पहले आजादी के पहले, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके सुधारा गया 1986 में। देख लो, क्या पढ़ाया कभी, देखना पलट के क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया है। तो एक मार्क है, हॉलमार्क है, हॉलमार्क जो किसके लिए, आभूषण के लिए, गहने के लिए, एक मार्क खाने पीने चीज के लिए, हॉलमार्क आभूषण के लिए, और फिर क्या होता है भाई, आईएसआई मार्क,
आईएसआई मार्ग की बात करें तो ये किससे होगा बच्चे, आईएसआई मार्ग जितने भी इलेक्ट्रिकल जो गुड्स होते हैं ना, विद्युत वस्तुएं, वायर, बल्ब, ये सब आईएसआई है, नहीं है। चलिए आगे देखो, प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है ये पूछा है, तो प्लांट हार्मोन में जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि वो प्लांट हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, जो गैस के रूप में पाया जाता है, उस प्लांट हार्मोन का नाम क्या है, जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी, इनकी कोई हेडक्वार्टर नहीं है बच्चे, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, अगर इनका कोई हेडक्वार्टर होता तो जरूर बताते। हाँ, उन्नत ग्राम योजना भी है, ठीक है। तो भाई पादप हार्मोन है कौन सा, आओ देखें आगे, तो एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, सैलिसिलिक एसिड, ये सब प्लांट हार्मोन है, उनमें से एकमात्र एथिलीन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, जो गैस के रूप में पाया जाता है। आपको याद होनी चाहिए कि जो नेचुरली फल पकता है वो किसके कारण, तो एथिलीन हार्मोन के कारण जो गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि एसिटिलीन ये आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से जो हम फल को पकाते हैं, जिसको हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, वो एसिटिलीन है। जब सवाल आएगा कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है किसके कारण, क्या बोलोगे, एसिटिलीन, जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। तो एथिलीन फल का पकना और फटना, गिब्रेलिन की बात करें बीज और कलियों की सुतुपता को तोड़ना, यानी जो बीज है मिट्टी के अंदर है तो वो कैसे निकलेगा, इस हार्मोन के कारण, इन हार्मोन के कारण। साइटोकिनिन क्या होगा कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या बच्चे, कि जो एस्टोमेटा है प्लांट में उसको क्या करेगा, ये क्लोज करेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आपको पता होना चाहिए कि हुबली स्टेशन अब भारत में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म हो गई, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएंगी, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएंगी वर्ल्ड की। इसके पहले क्या होगा, गोरखपुर, इसके पहले गोरखपुर होगा, क्या होगा, गोरखपुर, इसके पहले क्या था, खड़गपुर, खड़गपुर, क्लियर है, आ रही बातें समझ में। तो क्या होगा भाई, हुबली स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, याद रखना। इसके अलावा आप समझ लो जितने भी रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो जरूर याद रखना। मैंने क्या कहा कि रेलवे जीके से एक न एक सवाल तो पूछ रहा है, आप भी गौर कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में एक न एक सवाल है, चाहे आप ले लो मुगल सराय का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, तो बताओ मुगल सराय का नाम क्या कर दिया गया, जरा बताओ बच्चे। आगे देखो, पिगरी मिशन किससे संबंधित है, पिगरी मिशन किससे संबंधित है, पिगरी मिशन किससे संबंधित है, आप खुद सोचो, पिगरी मिशन की बात करता है, तोड़ो पिग यानी, अब ये तो बताने की जरूरत है क्या, ये बताने की जरूरत है नहीं ना, पिगरी मिशन किसे संबंधित, पिग से, किससे, पिग से, डिड यू, दीनदयाल उपाध्याय, बहुत बढ़िया। तो ये मेघालय में किसे संबंधित है भाई, मेघालय में लॉन्च किया गया, और पिगरी मिशन क्या है कि एनसीडीसी द्वारा समर्पित मेघालय राज्य पिगी मिशन या पिगरी मिशन, सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, पॉर्क यानी क्या है, पॉर्क, सुअर का जो मांस में, पॉर्क यानी सुअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो पॉर्क के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता हासिल करना, क्लियर है, सारी बातें समझ में। मेघालय किसने, मेघालय। अब देखो एक सवाल पूछ, देखो क्या पूछा है, कौन सा दिवस पूछा है, याद होगा कि जब मैंने दिवस कराया अनअकैडमी पे,
तो आप में से कई सारे बच्चे ने ऐसा कहा, सर ऐसा ऐसा दिवस बता रहे हो जबरदस्ती, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो या हमारा कर रहे हो, कई सारे बच्चों ने कहा था। अब देखो कैसा पूछा है, प्रथम स्वच्छ वायु और नीला आकाश दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है, देखो आया ना, देख लो। तो भैया कौन मनाएगा, यूएनईपी, कौन, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम मनाएगा, जिसका यूएनईपी का मुख्यालय कहां है, तो नैरोबी है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां है, नैरोबी है, और हेड मुखिया कौन होगा, इंगर हेंडरसन, और फाउंडर कौन इसका, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, और स्थापना किया गया था 1972 में, कब किया गया, 1972 में, देख लो। ठीक है, बात आ रही समझ में, आगे देखो। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आयोजित करने का संकल्प अपनाया है, कब, 19 दिसंबर, कब, 19 दिसंबर, याद रखना। ठीक है, मलेरिया के प्लाज्मोडियम की खोज किसने की, गर्व है मुझे इस क्वेश्चन पे, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ाया और आपने कहा था, आज आप लोग देख रहे हैं इस सवाल को, एग्जाम के लिए कौन सा टेस्ट करना जरूरी है। रितु जी जुड़ जाइए हमारे साथ 10 बजे जो मैं पढ़ाता हूं अन अकेडमी पे। देखो मलेरिया के प्लाज्मोडियम की खोज किसने की, आप रोनाल्ड रॉस रटते रह गए, सेटर कुछ और पूछ दिया, सेटर कुछ और पूछ दिया, देख लो। तो याद रखना दो चीजें हैं, अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो क्या था, डॉक्टर अल्फोंस लॉरेन, याद आया, डॉक्टर अल्फोंस लॉरेन, मुझे पता है, मुझे पता है गलती करोगे, लॉरेन, अब देखो समझना। तो डॉक्टर अल्फोंस लॉरेन ने मलेरिया प्रोटोजोवा प्लाज्मोडियम की खोज की, प्लाज्मोडियम की खोज की, पता किया 1880 में, लेकिन रोनाल्ड रॉस 1897 में बताया कि मलेरिया का परजीवी है वो एक वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। दो चीजें हैं, प्लाज्मोडियम वाइबेक्स की खोज लॉरेन ने की और रोनाल्ड रॉस बताते हैं कि मलेरिया का वाहक मच्छर है। याद आ गया होगा आपको, देखना पलट के अपने पीडीएफ, क्या मैंने पढ़ाया है ना पढ़ाया है, हूबहू ऐसा पूछा है। सोचो आप कहते हो सर आप गूगले देते हो, आप पता नहीं आप लोग में से कोई रेलवे का सेटर आता होगा वीडियो देखने के लिए, वैसा वैसा ही गूगले मिल रहा है आपको। याद आ गया, अरे बात समझ में। ब्रिक्स गेम्स 2021 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, जल्दी बताओ क्या होगा। ब्रिक्स गेम्स 2021 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा भाई, भारत, इंडिया के लिए, किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, आगे देखो, अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन, एक आया है गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन, किस राज्य से संबंधित है। गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन होता तब समझ में आता कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में शुरुआत करी है, लेकिन गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जिसे प्यार से मामा कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से 15 दिनों का एक अभियान शुरू किया था, 15 दिनों का एक अभियान शुरू किया था, और इस अभियान के तहत 7178 बस्तियों में से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गॉट इट, क्लियर यहां तक, ठीक है भाई आगे देखो।
बरमूडा आइलैंड कहां है? वेयर इज बरमूडा आइलैंड? अब आपको बताना बरमूडा आइलैंड कहां है। दो चीजें हैं, या तो आप कॉन्टिनेंट बता दो, महाद्वीप बता दो, या तो आप ओशियन बता दो, या तो आप बता दो कंट्री का ग्रुप कि किसमें है। चलो तीन ऑप्शन दिया मैंने आपको, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए। किस क्या क्या दिया? या तो आप महाद्वीप बता दो, या महासागर बता दो, या फिर कंट्री बता दो। चलो इंदौर, बताओ क्या होगा? देखो दो चीजें हैं, बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन ये है। अगर मैं बात करूं तो हैमिल्टन इसके कैपिटल है, क्या है? हैमिल्टन इसके कैपिटल हो गए, ये आप देख सकते हो यहां पे। और बरमूडन बरमूडियन डॉलर जो करेंसी है वो डॉलर चलेगा, और जो राज्य क्षेत्र है वो यूके के अंतर्गत है, यूके के अंतर्गत है, क्लियर है? यूके के अंतर्गत है, ठीक है भाई, याद रखना। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट, बेलूर मठ किसमें स्थित है? बेलूर मठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेलूर मठ किस राज्य में है? जल्दी, बेलूर मठ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बेलूर मठ की स्थापना सबसे पहले किसने की? रामकृष्ण परमहंस? नहीं, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं 1897 AD में। 1897 में कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद, जिसे हम लोग कहते हैं नरेंद्र नाथ दत्त। गॉट इट, क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? तो बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है, जिसका स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। कहां पे? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहां है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे देखो, पापना विद्रोह कब हुआ था? वेन पापना रिवोल्ट, पापना विद्रोह कब हुआ था? जल्दी, कब हुआ था पापना विद्रोह? 1837 से 73 से 76, 1873 to 76। कहां हुआ था बच्चे, ये समझते हैं पापना विद्रोह? बंगाल में। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन था एक, क्या था? एक किसान आंदोलन था, तो समझ सकते हो कि पावना में यूसुफ शाही परगना, जो अब सिराजगंज जिला बांग्लादेश है, जो उस समय बंगाल था, उस समय क्या था? बंगाल था। क्या था? उस समय बंगाल था, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है कि सर इसका नेतृत्व किसने किया? ईशान चंद्र रॉय ने किया, ईशान चंद्र रॉय ने किया। आगे देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण कहां स्थित है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण कहां स्थित है? जल्दी, अभी दो सवाल बताऊंगा इसी के से रिलेटेड। जल्दी बताओ क्या होगा? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण की बात करें, सोलापुर, ये कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। कहां पड़ेगा बच्चे? महाराष्ट्र। पाप लगेगा, पाप, गलती बताओगे तो। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी को हम जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी कहते हैं, यानी महान भारतीय बस्टर्ड अभ्यारण्य को, जिसकी स्थापना 1979 में की गई, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? अडोटिस नाइग्रिसेपस। अब एक चीज और समझना इसी से रिलेटेड, ये देखो, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी या कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ये कहां? जिसे लाला पंजन अभ्यारण्य कहते हैं, गुजरात में स्थित है। कहां? गुजरात में स्थित है। गुजरात में दो बस्टर्ड अभ्यारण्य है, तो कहां कहां? एक आपका कच्छ में देख लिया, दूसरा जामनगर है, दूसरा जामनगर। जामनगर से याद रखना, ये गुजरात में है, और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम माइंस जामनगर है, ठीक है। राजस्थान का राजकीय पक्षी,
यूएनडीपी की, दिया मिर्जा ब्रांड एम्बेसडर यूएनडीपी की है, यूएनडीपी की नहीं, ठीक है। आगे रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, गीगर काउंटर के द्वारा, किसके द्वारा, गीगर काउंटर के द्वारा, ठीक है। आगे देखो धरनी पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, धरनी पोर्टल इज लॉन्च बाय विच स्टेट। देखिए कितने लोग कितने जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हो। तो धरनी पोर्टल की बात करें, धरनी मतलब क्या होता है, धरती, पृथ्वी, हमारी माता। तो धरनी पोर्टल लाया गया किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा। यह है क्या कि भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया, धरनी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे अब देखो, याद है कल मैंने पढ़ाया यूएनओ के बारे में, कितनी भाषा है, फिर पूछ दिया रिपीटेड सवाल, कल भी पूछा आज भी पूछा, और आज तो दोनों पूछे हैं, यूएनओ में कितनी आधिकारिक भाषा, सिक्स, कितनी, सिक्स, कौन कौन सा जरा बताओ, कौन कौन सा जरा बताओ, कल भी बताया फिर से मैं बताऊं, कहते हैं बासी अचार खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो क्या करो फ्रेश अचार खाओ। अब आज अब फिर क्या कहेंगे पता है, कल देखो जब याद होगा कि हम लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो एक ने कहा कि सर पुराने सवाल ना कराओ, अब रेलवे पुराने सवाल पूछ रहा है तो बताओ मैं क्या करूं, मेरी गलती है कुछ, रेलवे पुराने सवाल पूछ रहा है तो क्या किया जाए बोलो। फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, अंग्रेजी, चाइनीज या मैंडरिन या रशियन, ये कितने छह लैंग्वेज हैं, कितने हैं छह लैंग्वेज हैं। और तो और ये रिपीट देखो, यूएनए का स्थायी सदस्य कौन सा है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, याद आया। अब तो फ्रेश अचार से फ्रेश निकाल लो, अचार को रहने दो, ज्यादा मत खाओ पेट खराब हो जाएगा बच्चा, तो फ्रेश निकाल लिया, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और फिर इंग्लैंड, दोनों पूछ दिया है, दोनों पूछा है, देख लो। साउथ सूडान, साउथ सूडान जो नवीनतम जुड़ा है 193 मेंबर, ये भी पूछ दिया, यानी पांच परमानेंट मेंबर, दस टेम्पररी मेंबर, टोटल सदस्यों की संख्या 15, दस के जो कार्यकाल हैं वो 2 साल होंगे, जिसमें से इंडिया सिलेक्ट हुआ है कब, तो 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को। इसीलिए रिवीजन मारो, रट्टा मारो, ठीक है। मतलब हमें एक चीज नहीं समझ में आता, मैंने कई बार आपको गाना सुनाया, गाना बताया कि जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे रेलवे को ना ऐसे सवाल पसंद आ गए बिल्कुल। सोचो रिपीटेड सवाल है कई बार, मतलब 28 तारीख से पेपर शुरू हुआ, कितने बार रिपीट कर रहे हैं बताओ। आर्टिकल 30 रिलेटेड टू, आज 9 बजे सुबह वाईफाई स्टडी पे मैंने क्लास कराया था, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बिल्कुल रट्टा मार के चले जाना, ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार के चले जाना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अरे मोहन तिवारी भाई काहे परेशान हो, परेशान काहे हो, क्लास के बाद पूछ लेना। लाइव क्लास में क्या होगा कि जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है वो और डाउन हो जाएंगे, इधर पढ़ने के चक्कर में कहीं और, समझ रहे हैं तुम्हारी बातें हम कहां, ठीक है। देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो अनुच्छेद किससे संबंधित 30, अब एक ट्रिक पढ़ा रहे, अब एक ट्रिक पढ़ा रहे बिल्कुल समझना। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये क्या है, पूरी फंडामेंटल राइट्स इसी के अंतर्गत, जो मैंने ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया और इसे 7 मिनट ट्रिक से भी पढ़ाया है। तो क्या है, समझते हैं, सम यानी समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18, आर्टिकल नंबर 14 से 18, फिर सत्य यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22, फिर आ जाओ सो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 से 24, और फिर आया ध यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से 28 के बीच में। इसके बाद जो पूछा आपका 29-30 पूछा है संस्कृति, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल नंबर 29-30 है, 29-30। और अगर बात करें उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं संविधान का, अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात है? ठीक है, आगे देखो। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, एक दिन पूछा था आपको, याद होगा कि वर्ल्ड अर्थ मदर डे। जो 22 अप्रैल, और कल पूछा था वर्ल्ड वाटर डे, जो 22 मार्च। ठीक है, आगे देखो। पहली बार 1970 में मनाया गया पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। आपको याद होगा रियो डी जेनेरियो, जो 1992 में, याद होगा आपको, याद है 1992, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, कमरे के तापमान में गैस के रूप में कौन सा मौजूद है, कमरे के तापमान में गैस के रूप में क्या मौजूद होगा, जल्दी। तो कमरे के तापमान में गैस के रूप में जो मौजूद है वो क्लोरीन है। क्लोरीन के अलावा क्या क्या मौजूद हो सकता है आप समझ सकते हो और देख सकते हो कि प्राइमरी रूप से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सभी गैसों के कमरे के तापमान पर है। सभी गैसें कमरे के तापमान पर क्या होंगे, गैस के रूप में मौजूद होंगे, गैस के रूप में मौजूद होंगे। ठीक है, आगे देखो। कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, अब तो ये पता नहीं चलता, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो बेसिकली ये समझना जब भी ये सवाल बनता है तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, और दूसरा एस एन बनर्जी। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, क्लियर है, तो याद रखना बीजी तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखो। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, देशबंधु के बात करें तो चित्रंजन दास, लेकिन अगर दीनबंधु की बात करें, दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज दीनबंधु, और अगर बात करें देश रत्न की तो कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर नहीं थे बच्चे, वो कभी नहीं बने। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना याद करो, मैंने कल पढ़ाया है कि पंचवर्षीय योजना से सवाल क्या क्या बनेगा, यही तो पढ़ाया था। तो पंचवर्षीय योजना से सवाल क्या क्या बनेगा फिर से रिमाइंड करो। पहला, ये कहां से लिया गया, रसिया या यूएसएसआर। दूसरा, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950, कल पढ़ाया इसे, देखो याद आया भाई। अब मैं कैसे बताऊं क्या अंबेडकर था कि क्या था ऑप्शन में, आप जो सवाल आप देते हो मैं बता देता हूं, कल पढ़ाया इसको, आपको याद होगा अगर आप रेगुलर हो तो। 15 मार्च 1950। तीसरा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। चौथा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक, 51 से 56, और 12वीं पंचवर्षीय योजना
2012 से लेकर 2017 ही वाज लास्ट फाइबर प्लान. लास्ट फाइबर प्लान, आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो. विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी? जल्दी तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या, किसकी स्थापना कब की गई? 23 दिसंबर 1921 को. 23 दिसंबर 1921 को. अब एक चीज समझना कि जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके चांसलर कौन होंगे? हमेशा प्रधानमंत्री होंगे. हमेशा प्रधानमंत्री होंगे. कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे. कहां किया गया ये? वेस्ट बंगाल में. कहां किया गया? वेस्ट बंगाल में. एक चीज और समझ लो कि विद्युत चक्रवर्ती ये कौन है? ये कुलपति हैं. ये कुलपति हैं. ठीक है भाई, आगे देखो. राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, याद करो. जब मैं लास्ट क्लास एंड करता हूं तो अभी मैं बताता हूं कि 25 तारीख मतदाता दिवस, प्राइस हाइक होने वाला है अन अकेडमी का. लास्ट लास्ट में भी अगर बच्चा सुन लिया होगा ना वो, तो बना देगा कि 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मतदाता दिवस. देखो, देख रहे हो? हाँ बेटा, भी बहुत बढ़िया. हाय स्वीटी, हाय कियारा कहो. सिलेक्शन ना होगा तो आपके घर वाले बाय बाय कहेंगे, कुछ ना मिलेगा. बिल्कुल, कमंडल लेना और चले जाना गंगोत्री. पढ़ना लिखना तो है नहीं, है ना? यही करते रहो. बिल्कुल, लाहौल बिल्ला कुबत. कैसे कैसे बच्चे हैं, राम राम. तो 25 जनवरी, ठीक है. आगे देखो, 2019 स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता. 2019 स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता कौन है? तो 2019 स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता की बात करें, अली फराग. कौन है भाई? अली फराग है. कौन है? अली फराग है. पीली नदी, एलो रिवर किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? जल्दी, पीली नदी किसे कहते हैं बता सकते हो? तो सर, चाइना में हांगो को पीली नदी कहते हैं. किसे कहेंगे? हांगो को. पीली नदी या वांगो नदी या यांगजी नदी के बाद चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है. अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, चीन का शोक किसे कहते हैं? द सोरो ऑफ चाइना. चीन की पीली नदी किसे कहते हैं? द सोरो ऑफ चाइना. जल्दी, क्या ये चीन की शोक है क्या? चीन की शोक नदी, क्योंकि आपको याद होगा कोसी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का शोक, महानदी उड़ीसा का शोक, ब्रह्मपुत्रा असम का शोक. तो क्या होगा? यस, चीन का शोक किसे कहेंगे? वांगो को या पीली नदी को कहेंगे. ठीक है, आगे देखो. तो ये पीली नदी देख सकते हो, अभी दिखेगा नहीं मैप में, बिल्कुल धुंधला. ठीक ना, इसको ही कहते हैं, बिल्कुल याद रखना. अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी? अल हिलाल मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया है? अल हिलाल पत्रिका की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद. किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद. कब? 1912 में. 1912 में, बिल्कुल याद रखना. आगे देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी. तो सबसे बड़ी बात करें हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी क्या बोलेंगे? पहला. दूसरा, कुल हड्डियों की संख्या बच्चे में 300, जैसे बच्चा बड़ा होगा घटकर क्या हो जाएगा? 94 फ्यूज करेगा, यानी कितना बचेगा? 206. अब छोटी पूछा है तो वो तो जाएंगे,
बड़ी की बात करें फीमर, जो कहां ये थाई बोन है, थाई बोन। लेकिन सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपिस। मानव शरीर में जो कान में कहां पाई जाएगी, ये कान में। कितने हड्डी होते हैं कान में, तो दोनों को मिला के 6, 3 यहां 3 यहां, यानी 6 बोन्स हैं। कितने बोन्स हैं? 6 बोन्स हैं, बिल्कुल याद रखना। कितने? 6 बोन हैं। तो स्टेप्स जो कहां, मिडिल, मिडिल ईयर में कहां मौजूद होता है, ये मिडिल ईयर में। ठीक है, आगे देखो। अब देख सकते हो कि मिडिल क्या क्या है, स्टेपिस, मैल्यूस और इंकस, तीन है। क्या होते हैं? तीन, चाहे राइट और रॉन्ग। तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। अब जरा बता कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मसल्स, सबसे छोटी मांसपेशी क्या होगा? सबसे छोटी मांसपेशी फीमर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में पाए जाने वाला स्टेपिस है। स्टेपीडियस, स्टेपीडियस याद रखना, स्टेपीडियस, स्टेपीडियस ये भी कहां पाया जाएगा? कान में ही, ये भी कान में पाया जाएगा, बिल्कुल याद रखना। 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला है, ये पूरा लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। तो 2020 में भी धुंधला दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब देख लेना। जो सवाल पूछा है वो ऑप्शन में था, पीवी सिंधु। क्या था? पीवी सिंधु। क्लियर? क्या था बच्चे? पीवी सिंधु था, बिल्कुल याद रखना। आगे, प्रथम सम्मानित यानी पहली बार शुरू किया गया था 1954 में, 1954 में शुरुआत की गई थी, बिल्कुल याद रखना इसे। घूमर नृत्य किस राज्य का है? घूमर नृत्य किस राज्य का है? जल्दी, तो घूमर डांस की बात करें राजस्थान, और घूमूरा, घूमूरा उड़ीसा, उड़ीसा। परमाणु अनुसंधान के लिए जो इंदिरा गांधी केंद्र है वो कहां है? परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी केंद्र कहां है? परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की बात करें, कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, जिसे कामिनी भी कहते हैं। कामिनी रिएक्टर का नाम है, रिएक्टर का नाम क्या है बच्चे? कामिनी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? देखो ये सब सवाल कराएंगे ना तो ना पढ़ोगे, और जब रेलवे पूछेगा, सर हल्का सवाल काहे नहीं पूछता है, इजी सवाल पूछा तो पूछ तो दिया, कैसा? मिक्स्ड, मिश्रित, जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हमने स्वीकार किया, सेकेंड फाइव ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक है, 61 तक है, मिक्स्ड फाइव ईयर प्लान, मिक्स्ड फाइव ईयर प्लान है ना भाई। आगे देखो, किस मंत्रालय ने मध्यान्ह भोजन योजना लागू की है? विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम? किस मंत्रालय ने मध्यान्ह भोजन योजना लागू की है? जल्दी, किसने किया? तो किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1995 में, लेकिन पहला राज्य जो इसे स्वीकार किया है वो तमिलनाडु है। अब ये सवाल जो पूछे गए थे, अब जो गाड़ी चलेगी सेकेंड पार्ट, टू बी कंटिन्यूड, भांगना नहीं पाप लगेगा, ठीक है भाई, वेट करना। एजुकेशन मिनिस्ट्री, बहुत बढ़िया,
जाना कहीं नहीं है। ओके ओके ओके। अब देखो, जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? अब तो मैं गाना गाऊंगा नहीं, जाने वालों जरा मुड़ के देखो तुझे इधर, है ना? जाने वालों को रोक सकता है बच्चे, बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाओ। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित हैं? मैं तो बता दूंगा किस खेल से संबंधित है, आप बताओ ये किस राज्य की हैं, आप बताओ ये किस राज्य की हैं, जल्दी। राशन देने वाले एमपी। ओके, तो अर्चना कामत की बात करें भाई, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और ये कर्नाटक की हैं। कहां की है ये? कर्नाटक की। कहां की है ये? कर्नाटक की। अरे बस समझ में, ये कहां के बच्चे? कर्नाटक की है, याद रखना। किस खेल से है ये? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल याद रहे, ठीक है। आगे देखो बच्चे, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि इंटरनेट तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद बताता है कि इंटरनेट तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार है? सवाल नंबर दो, जल्दी। तो कौन बताएगा भाई? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का अधिकार। इंटरनेट क्या है ये? बोलने का अधिकार, यानी मैं अपनी बातें चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे एफबी के माध्यम से, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, तो ये क्या होगा? आर्टिकल 19 तो है, आर्टिकल 19 ही तो है। अरे बातें समझ में, चाहे आर्टिकल 19 ए बोल दो, जो ये भी क्या है? एक प्रकार का मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, तो क्या होगा? आर्टिकल नंबर 19 इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, कौन पूरक ऑक्सीजन के बिना, यानी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति था? सवाल नंबर तीन, जल्दी। क्या होगा बच्चे? तो रेनहोल्ड मेसनर ने, आपको याद होगा एक सवाल पूछा था ऐसे ही, तो कई बार सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति बना है? रेनहोल्ड मेसनर। कौन है? रेनहोल्ड मेसनर है, बिल्कुल याद रखना। आगे, हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी। अरे भाई काहे ऑप्शन के पीछे लगे हो, समझने का काम करो, समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे जिंदगी सफल हो जाएगी, जल्दी। 26 जून को प्रत्येक वर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। आगे, अमित शाह ने कर्मोदय ग्रंथ नामक एक पुस्तक लॉन्च की, किसके जीवन पर आधारित है? कर्मोदय ग्रंथ, जल्दी। कर्मोदय ग्रंथ नामक पुस्तक लॉन्च की गई, किसके जीवन पर आधारित है? तो आपको याद होगा कि कर्मोदय ग्रंथ की बात करें कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, जबकि मोदी जी ने पुस्तक लिखा एग्जाम वॉरियर, परीक्षा योद्धा। अब तो एग्जाम वॉरियर 2.0 भी ले आया, लॉन्च कर दिया, है ना। आगे देखो, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी सुन के कपिल शर्मा मत कर देना कि सर कॉमेडी है तो कहीं कपिल शर्मा तो नहीं है, भैया दांते अलगिरी। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? दांते ने लिखा है, दांते अलगिरी ने लिखा है, बिल्कुल याद रखना। आगे, किसमें आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? किसमें आमतौर पर हार्मोन नहीं होता है? जल्दी। बिल्ली,
जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस कैटस। फेलिस कैटस, क्या ये? फेलिस कैटस। आगे, अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट अराकू वैली सिचुएटेड? जल्दी, भाई अराकू वैली की बात करें बच्चे, ये आंध्र प्रदेश में और वाइजैग, वाइजैग से, वाइजैग के पास, विशाखापट्टनम के पास है। कहा? विशाखापट्टनम के पास है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, आगे देखो, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हरिका द्रोणवली किस खेल से जुड़ी है? पद्मश्री से सम्मानित हरिका द्रोणवली किस खेल से जुड़ी है? जरा बताइए जल्दी। शतरंज, चेस। किससे? शतरंज से है, चेस से है, बिल्कुल याद रखना, शतरंज चेस से। हरिका द्रोणवली की बात करें, किस खेल से संबंधित है बच्चे? चेस से है, शतरंज से है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 कितनी भाषाओं में दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया? जल्दी, आंध्र प्रदेश से, बहुत बढ़िया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें बच्चे, तो ये 24 भाषा में, 24 भाषा में, जबकि आपकी जो आठवीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है, उसमें 22 भाषा है, याद रखना 22 लैंग्वेज है। कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, 22, जबकि कितने भाषा में? तो 24 भाषा में। ठीक है, तो 24 भाषाओं में से 22 भाषा तो है, दो भाषा एक्स्ट्रा, कौन कौन? राजस्थानी और अंग्रेजी, राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है भाई, आगे देखो, कांगेर घाटी पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कांगेर घाटी पार्क किस राज्य में है? जल्दी, तो कांगेर घाटी पार्क की बात करें बच्चे, छत्तीसगढ़ में। कहां पे? छत्तीसगढ़ में, यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में स्थित है और 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया, एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, लॉटरी पर जीएसटी क्या है? जरा बताओ, लॉटरी पर जीएसटी की प्रतिशत क्या है? अभी देखो कितने लोग क्लीन बोल्ड होंगे, अभी कितने लोग क्लीन बोल्ड होंगे देखना, लॉटरी पर जीएसटी का प्रतिशत क्या है? अच्छा मैं परसेंटेज बताता हूं, चलो अब बताओ ये लॉटरी किस सूची में है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर कहें केंद्र सूची? केंद्र सूची, तो यह राज्य सूची का विषय है। यह क्या? राज्य सूची का विषय है बेटा। 30% तो है ही ना, अगर जीएसटी देखें तो कितने हैं? 5, 12, 18, 28, यही तो है, 5, 12, 18, 28, और बहुत हुआ था 0%, तो कितना? 28% है, 28%। अब एक चीज समझना कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से कर राजस्व सरकार के लिए सरकारी खजाने का एक प्रमुख स्रोत रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, जो राज्य सरकार संचालित करेगी उस पर 12%, लेकिन जो आउटर हैं आप उनके राज्य में बेचेंगे उन पर 28% है। तो राज्य सरकार तो संचालित करते नहीं है लॉटरी, राज्य सरकार बेचती है क्या कि लॉटरी ले लो? नहीं करती है ना। 28% इज करेक्ट, 28% इज करेक्ट, क्लियर है? आगे देखो, भारत के सेना प्रमुख के रूप में 2020 में किसे नियुक्त किया गया है? हु अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ ऑफ इंडिया 2020?
जल्दी। बेटा लॉटरी लगती है केवल कपिल शर्मा में। तो किसे भाई? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने, चार नाम इधर आने। मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी चीफ, चार नाम इधर आने। तो चार नाम में क्या है? सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने, एयर स्टाफ जो मुखिया है चीफ वो राकेश कुमार भदौरिया, और जो नौसेना प्रमुख है वो करमबीर सिंह। ये आपके सामने, ये आपके सामने, ठीक है। एक घंटे के लिए कितने देशांतर होते हैं? हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड फॉर वन आवर? जल्दी बताओ क्या होगा। तो एक घंटे के लिए देशांतर की बात करेंगे, 15 देशांतर। कितना होगा? 15 देशांतर। 15 ही तो होगा भैया, 360/24। 360/24 डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा बताओ? निकलेगा ना 15 के बाद फिर 60 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? जल्दी तो किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। कहां होगा? मध्य प्रदेश। दो चीजें हैं, अगर बात, तीन सवाल बनेंगे यहां। क्या सवाल बनेगा? 2019-20 में रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी मिली है जंगलों की तो वो कर्नाटक होगा नंबर वन। कर्नाटक होगा नंबर वन। और अगर मैं बात करूं किस राज्य में, तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो मिजोरम, परसेंटेज की बात किया जाए तो मिजोरम। तीन सवाल निकल कर आएंगे। पहला सवाल क्या है कि भैया कर्नाटक, कर्नाटक पहला कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि भैया क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश, और परसेंटेज के लिहाज से मिजोरम, परसेंटेज के लिहाज से मिजोरम। एमपी इज अ टाइगर स्टेट। आगे देखो, सूर्य के प्रकाश में कौन से विकिरण से टैनिंग और सनबर्न होता है? सनबर्न यानी स्किन कैंसर। तो सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है जिससे हमारी स्किन जलने की संभावना होती है? क्या होगा? हां, परसेंटेज में मिजोरम है। क्या लगा आपको? क्या लग गया आपको? अरे बुझाता कि नहीं के बुझात, बुझाता ना। हाँ, ये पिछले साल भी आया था, हर साल आ जाता है बिल्कुल। मतलब सोचो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेशरम है, जंगल वाला, हर साल आ जाता है एग्जाम में। तो क्या होगा ये? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, जो ओजोन परत, कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में मौजूद है, समताप मंडल में मौजूद है। तो परसेंटेज की बात करें तो 90% ट्रोपोस्फेयर में 10% है, ट्रोपोस्फेयर में 10% है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई? क्लियर। एक चीज और समझना, यूवी से याद आया, यूरेनस और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कैसे घूमेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में,
बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ईस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, कौन? यूवी और यूरेनस और वीनस। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखो हमारी टेक्निकल टीम जुड़ गई, आप तो कुछ करोगे नहीं, ना शेयर करोगे ना लाइक करोगे, हमारी टेक्निकल टीम पूरा सपोर्ट करेगी, थैंक यू सर। बताओ क्या होगा? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछा एनसीपी, हे भगवान मारो मुझे, 1885 वालों ब्रेक लगा दो जरा, भगवान ब्रेक लगा दो गाड़ी पर अपनी। 1999 अगर होता ना आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब 1885 लगाते। हे भगवान, बेचारे कांग्रेस बनाने वाले भी बिल्कुल शर्मा रहे होंगे ऊपर में कि भारत के लड़कों ने क्या कर दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछा है और ये लगा रहा 1885 से। 1999 में चुनाव चिन्ह घड़ी छाप शरद पवार। देख लो ये तो है, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहां से लिया गया है? बंधुत्व की अवधारणा कहां से लिया गया है? जल्दी कहां से लिया गया बताओ? फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांसी क्रांति कब हुई जरा बता दो, 1789 में अगर हुआ होगा तो जरा इमोजी भेज देना बढ़िया सा खूबसूरत वाली यस करके, और ना तो फिर बताओ मुझे ना पता। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहां से ली गई है? फ्रांसी संविधान से, फ्रांसी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। कब हुआ है फ्रांसी क्रांति? मोहिनीअट्टम नृत्य कहां से विकसित किया गया? देख लो कितने खूबसूरत डांसर है, बताओ। तो मोहिनीअट्टम आपको याद होगा केरल, केवल मोहिनीअट्टम ही नहीं कथकली भी। कथकली भी केरल से। आठ क्लासिकल डांस है, कितने बच्चे? आठ क्लासिकल डांस। ये देखो भारतनाट्यम, तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और आगे आ जाओ फिर कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी मत करना पेट खराब होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, फिर ओडिसी, कहां ओडिशा, मणिपुर, सतारिया, असम, फिर आ जाओ कथक, यूपी या नॉर्थ इंडिया। देख लो पूरी कहानी आपके सामने है, पूरी कहानी आपके सामने। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक का मुख्यालय कहां है? फेसबुक का मुख्यालय कहां है? जल्दी तो कहां है बच्चे? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका है, बिल्कुल याद रखना। आगे, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी की राजधानी किस नदी के तट पर है? ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी की राजधानी किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर? डेन्यूब। क्या होगा? डेन्यूब। किस नदी के तट पर है? डेन्यूब।
याद रहेगा किस पे? डैन्यूब है, ठीक है भाई। किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय, जिसे राजा की उपाधि, अकबर सेकेंड ने दी, और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके अलावा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और बताओ कुछ और निकाल सकते हो बहुत। मिरातुल अखबार कई बार पूछता है, मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में? फारसी भाषा में, फारसी लैंग्वेज में। और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे ये, भारत में अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में विलियम बेंटिक के मदद से सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है भारत में, किसके मदद से? विलियम बेंटिक के मदद से। और बोल दो, क्या बोल दो कि सर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिसकी मृत्यु कहां होती है? ब्रिस्टल लंदन में। आगे देखो, भारत में जूट की खेती किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है? शैतान बच्ची हो बिल्कुल, जल्दी बताओ। तो कहां? गंगा डेल्टा, गंगा का डेल्टा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास सुंदरबन का डेल्टा है, देख लो जितना डिटेल पढ़ा दे रहे हैं, जितना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को ना अच्छे तरीके से देख लिया तो गारंटी हमारी है कि CBT 1 क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रेलवे मिनिस्टर आएंगे, भैया उठो, आपने CBT 1 पास कर लिया, CBT 2 की तैयारी करो, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटनी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ क्या होगा। अन अकेडमी पर मेरी क्लास 6:40 पे है, 6:40 PM अन अकेडमी पर आज अन अकेडमी पर मेरी क्लास 6:40 पे है। कितने पे? 6:40 पे, याद रहेगा। अन अकेडमी पर मेरी क्लास कितने बजे होगी? 6:40 PM। तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। नाम याद नहीं आ रहा है भाई, दिल से लगा लो, नाम बिल्कुल याद आ जाएगा, लॉर्ड पामस्टन। कितने सवाल बनेंगे देखो। अब 1947 में जब देश को आजादी मिलती है तो क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन पूछा है कि विंस्टन चर्चिल भारत कब आया था, तो आपको याद होगा साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। आज के सवाल है आज के कि विंस्टन चर्चिल भारत कब आया, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और भारत आता है साइमन कमीशन 1928 में, और उसी में विंस्टन चर्चिल आया था, याद रखना, ठीक है। आवाज आता है, कलिंग की राजधानी, द कैपिटल ऑफ कलिंगा वाज, कलिंग की राजधानी, जल्दी।
बेटा जो आप कैनिंग कह रहे हो ना वो वायसराय था, प्रधानमंत्री नहीं। कलिंग की राजधानी की बात करें क्या होगा, तूसली, तसली मत समझना। बिहार में ना जाओगे तो तसली बोलते हैं उसको, तसली मत समझना, तोसली समझना, ठीक है। तो कलिंग से याद आया आपको 261 बीसी में कलिंग का वार हुआ था ना, जिसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, और अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, याद होगा, ठीक है। तो तस क्या होगा, तोसली, क्या भाई तोसली, ये कहां, ओडिशा, कहां ओडिशा, ठीक है। आगे देखो, दुनिया में किस देश में बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है, जल्दी, बताओ। तो चाइना में, देखो अभी लाइव क्लास में बता दूं, अभी सेकेंड शिफ्ट कुछ क्वेश्चन दिखे बच्चे ने भेजा, पता क्या भेजा है, पहला देखो भेजा है 78 ईस्वी यानी शक संवत, शक संवत। दूसरा पूछा है, दूसरा भेजा है कि सिक्किम को भारत में शामिल किया गया किस अमेंडमेंट से, तो आपको याद होगा 35वें संविधान संशोधन 1975 में शामिल हुआ है, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में राज्य का दर्जा मिला है। दो सवाल बता दिया मैंने सेकंड शिफ्ट के, अभी जैसे बच्चा भेजता मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चाइना में बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा, और याद रखना कि सबसे ऊंची मंदिर चाइना में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, सवाल नंबर 27, क्या होगा भाई, लीवर, लवर मत पढ़ देना पाप लगेगा, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरे नंबर पे अग्नाशय पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर की बात करें तो रेनिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। रेनिन का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्ट पचाना, रेनिन को हम एक और नाम से जानते हैं, चाइमोसिन, चाइमोसिन याद रखना, आज मैंने पढ़ाया सुबह 10 बजे। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां होगा, तो याद रखना आपको कहां, अस्टमक में, ठीक है। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ, जल्दी ठीक है। अरे आखिर लीवर जो है ये कहां, स्टमक में है ना, आगे बता दो क्या होगा, गलती हो गई देख लो, गलत लगा रहे हो देख लो, क्या पूछा है, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी, 35, और मैक्सिमम आयु की बात करें, कोई नहीं, कोई नहीं, आई बात समझ में, यानी न्यूनतम आयु 35, मैक्सिमम आयु कोई नहीं, भारत में अधिकतम आयु है ही नहीं, केवल जजों को छोड़कर, केवल जजों को छोड़कर
65 साल और 62 साल, ठीक है। एक चीज रुकना बच्चे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ये कि जो मैंने बताया रेनिन पेप्सिन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, आप लीवर नहीं से स्टमक कर देना, ठीक है। ये क्या होगा? स्टमक होगा, हाँ। लीवर से क्या निकलता है ये? तो लीवर से आपका निकलेगा बाइल जूस, लीवर से निकलेगा बाइल जूस, माय मिस्टेक, जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। वही मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करा है, मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करा है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है गाइस, सॉरी। तो ये कहां निकलेगा? ये स्टमक से, और लीवर से निकलेगा बाइल जूस, और ये जमा होगा जाकर कहां? तो आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर में, माफी चाहेंगे उसके लिए, आगे आ जाओ। एशियाई खेलों को किस शहर में सबसे अधिक बार आयोजित किया गया? जो एशियन गेम्स हैं, सबसे अधिक बार कहां आयोजित किया गया? जल्दी जल्दी, बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी। तो एशियाई खेलों को किस बार, किस शहर में सबसे अधिक बार? बैंकॉक में 4 बार किया गया। और एशियाई खेल की शुरुआत आपको याद होगा कि 1951 में कहां? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में, यानी भारत में सबसे पहले हुआ है। कहां? दिल्ली में, ठीक है। अरे बात तो समझ में, आगे देखो नेक्स्ट। हु वाज द सेकेंड वीमेन जज ऑफ इंडिया? भारत की दूसरी, भारत की दूसरी, जल्दी जल्दी। अब काहे बोल रहे हो? तो अब काहे बोल रहे हो जब उस समय नहीं बोला था? तो भारत की दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? भारत की दूसरी महिला न्यायाधीश जस्टिस सुजाता बी मनोहर। जबकि आपको पता है पहली महिला न्यायाधीश कौन? तो आप लीला सेठ ले लो हाई कोर्ट के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहले कौन है? फातिमा बीबी, पहले फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, और ये हाई कोर्ट के लिए है, दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आगे वीबो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका लोकप्रिय रूप से उपयोग किस देश में किया जाता है? विच कंट्री? आवाज आ रही है? किस देश में किया जाता है? वीबो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका लोकप्रिय रूप से उपयोग कहां करते हैं? विच कंट्री में? तो चाइना में। जैसे आप लोग एफबी यूज करते हो वैसे ही, वहां तो सब बंद है, बैन है, तो चाइना का अपना चलता है। नाम क्या है इसका? वीबो, सीना वीबो। तो सीना वीबो चाइना का एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसकी शुरुआत 14 अगस्त 2009 को की गई है। 14 अगस्त 2009 को की गई है। कब की गई है? 14 अगस्त 2009 को की गई है। ऐसा ही सवाल आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी चीज देख रहे हो जिसमें 445 मिलियन से अधिक यूजर है। कितने? 445 मिलियन यूजर हैं। खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम, खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहां स्थित है? खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम की बात करें तो कहां स्थित है, जरा बताइए जल्दी। खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम फतुल्ला नारायणगंज मध्य बांग्लादेश में, मध्य बांग्लादेश में। कहां पे? फतुल्ला नारायणगंज मध्य बांग्लादेश में लोकेट है। आगे विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया है। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, और केवल खेल दिवस हम बात करें भारत में तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। सिंडिकेट बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है बताइए, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था आपको याद होगा फर्स्ट फेज में, हो सकता है आपको सेकेंड फेज में पूछा जाए। तो सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है
अभी 12 नेशनलाइज बैंक हैं, 12 नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी 12 है। जल्दी तो देख सकते हो, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, ठीक है भाई। अलाहाबाद इंडियन बैंक देख रहे हो पीएनबी में, ओरिएंटल और यूनियन बैंक में, आंध्रा बैंक। तो टोटल याद रखना, मर्जर जरूर याद रखना, मर्जर जरूर याद रखना, बहुत पूछेगा सवाल, ठीक है। आगे देखो, भारत सरकार द्वारा कोविड 19 के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई में लोगों को एक साथ लाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, जरा बताइए जल्दी। वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या होगा? अरे भाई, आरोग्य सेतु, कहीं जाओ दिखाओ, कहीं जाओ आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु अजय देवगन, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या बात है, सचिन ने बता दिया, निकेश ने बता दिया, आनंद ने बता दिया, रोहित, विकास, मोहित, सिद्ध, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आरोग्य सेतु है ना भाई। तो टैगलाइन क्या है इसका, मैं सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित, ये इसके टैगलाइन है ना। आगे, ओहो, कपूरथला कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है? कपूरथला कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है? कपूरथला कोच फैक्ट्री कहां? तो P4 पंजाब, P4 पंजाब। जल्दी, और पंजाब से याद आया, हमारी भांजी है पंजाब की, अरे यार बिल्कुल मत सोच, धमाचा नाक में दम कर रखी बिल्कुल। जल्दी, तो कल स्पेशल क्लास था तो बच्चों ने कहा सर वो वहीं बैठे हुए थे, आवाज कर रहे थे, तो मैंने उन्हें मिला दिया, देखो ये। अरे भैया अब बताओ क्या चाहिए आपको जीवन में, लिख तो दिया जीवन, क्या चाहिए आपको जीवन में, लिख तो दिया जीवन, क्या है जीवन, लिखा हुआ तो है बगल में, लिखा हुआ तो है बगल में, बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा द्वारा आईएमएफ के सलाहकार समूह के लिए चुना गया है, सवाल नंबर 37। जल्दी, नाम प्रियांशी, जल्दी, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सलाहकार समूह के लिए चुना गया, डॉक्टर रघुराम राजन हैं, डॉक्टर रघुराम राजन। जबकि आपको पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल साहब थे 8 नवंबर 2016 से रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, याद आया, उर्जित पटेल थे उस समय और अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर। मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया था? मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी, मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? तो कालिदास, जिसे इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, मालविकाग्नि मित्रम कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोवर्षीयम, अरे बातें समझ में, ये सब के सब किसमें? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है।
किसके समय में थे ये? तो चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, है ना। आगे वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया, कौन है जरा बताइए जल्दी। चाहोगे बच्चे? तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में आया, क्या होगा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 39। चाहोगे ये फाइयान भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी यात्री, फाइयान भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी यात्री, याद रखना पहले चीनी यात्री कौन है? फाइयान है। कुछ लोगों को लगेगा वेनसांग, जबकि बता दूं वेनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अरे याद रखो ना, H4 वेनसांग, H4 हर्षवर्धन, H4 वेनसांग, H4 हर्षवर्धन, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह सवाल पूछा जा चुका है आपका, जल्दी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, और आपको याद होगा कि 24 अप्रैल से क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया, यानी संवैधानिक दर्जा मिल गया, और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद स्वीकारने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। अरे बातें समझ में, कौन है भाई? कर्नाटक है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, गवर्नर जनरल की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, तो किस गवर्नर जनरल के पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया? आपको याद आने चाहिए कि INC से लगभग हर शिफ्ट में सवाल है, तो आपको भी बनना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल, तो INC पढ़ के जाना, गलती मत करना, क्योंकि INC से कई बार सवाल हुए हैं। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय INC की स्थापना की गई, कब हुआ बच्चे? 28 दिसंबर 1885 को, कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। 72 डेलीगेट, 72 प्रतिनिधि, 72 WC बनर्जी अध्यक्ष, और एयोज्यूम फाउंडर थे, ठीक है भाई। आगे, कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो आपको याद आनी चाहिए 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची जो 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, ठीक है भाई। किसके समय में? राजीव गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी, सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य की बात करें तो गुजरात। निकाल लो ना, देखो नमक है, गुजरात किसके प्रोडक्शन में नंबर वन? नमक, सॉल्ट, फिर क्या होगा? मूंगफली, ग्राउंडनट, और फिर क्या हो गया? कपास, कॉटन। तो तीनों के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर वन है, तीनों के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर वन है, याद रखना, ठीक है भाई, तीनों के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर वन है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तय की जाती है? राज्यसभा से सदस्यों की संख्या तय की जाती है, जल्दी क्या होगा? बेटा सांभर लैक कहोगे तो राजस्थान है। तो किस
क्या होगा भाई, चौथी फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची, क्या होगा चौथी अनुसूची है ना। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं, ये सवाल आपके इस बार रेलवे में पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल याद होगा आपको कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहेंगे, आपको याद होनी चाहिए, कोच्ची पोर्ट केरल, कोच्ची बंदरगाह केरल, किसे कहेंगे, कोच्ची बंदरगाह केरल, याद रहेगा कोच्ची बंदरगाह केरल, जिसे मसालों का द्वीप कह दें, मसालों का द्वीप कह ना, सबसे ज्यादा मसाला होगा यहां केरल की बात करें, पश्चिमी घाट है ये, हाँ पश्चिमी घाट है ये। आगे देखो, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहां स्थित है, चंद्रप्रभा सेंचुरी इज लोकेटेड इन, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहां स्थित है, चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी, और वाराणसी में ही याद होगा आपको कि पहली बार जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया कहां, सारनाथ यहीं पे है, सारनाथ जिसे पुराना नाम ऋषि पत्तन कहते हैं, ऋषि पत्तन कहते हैं, ठीक है भाई। सिंबल क्या होगा, व्हील, सिंबल क्या होगा, व्हील। आगे, रक्त के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, रक्त के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहेंगे, क्या कहेंगे, हिमेटोलॉजी कहेंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे, किताबुल रेहला के लेखक कौन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, किताबुल रेहला के लेखक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आते हैं, कब आते हैं, 1333 ईस्वी में आते हैं, उसे काजी के पद पर अपॉइंट किया जाता है, उन्हें एमबीटी अपना राजदूत बनाकर चाइना भेजता है, सारा बता दिया, ये आते कहां हैं, मोरक्को से आते हैं, अफ्रीका से, सारा बता दिया, बताओ क्या होगा, जब सारा बता दिया तो बता दो ना, इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता किससे आएगा, यानी इब्न बतूता कौन है, इब्न बतूता, क्लियर है। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचे सम्राट जेम्स किसके राजदूत थे, तो किसके राजदूत थे बच्चे, सर थॉमस रो, जो राजदूत थे वो किसके राजदूत, तो सर सम्राट जेम्स प्रथम के जो राजदूत थे वो सर थॉमस रो थे। कैप्टन हॉकिंस, याद रखना कैप्टन हॉकिंस, ये आता है 1608 में, तो पहले कौन आता है, ये बहुत बार कंफ्यूज करते हो आप, तो कैप्टन हॉकिंस 1608 और सर थॉमस रो 1615, दोनों किसी समय में, जहांगीर के काल में, जबकि 1608 में अंग्रेज आते हैं भारत, 1600 में अंग्रेजों की स्थापना, उसमें भारत में शासन अकबर का है, शासन अकबर का है। इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, आवश्यक तत्व कौन सा है, जल्दी क्या होगा बताओ, तो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी क्या होगा, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, मजा आया, 2 घंटे तक लगातार मजा आया, जरा सही बताना, अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक देना। अभी देखो आपकी क्लास कितने बजे, मैं आपको बता दूं कि 5:40 के बदले जो आज आपकी क्लास है वो 6:40 PM में है, कहां पे, अन अकेडमी पे, कहां पे, अन अकेडमी पे, और वो भी मैं बता दूं बच्चे क्या देखने वाले हैं आज, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, मिस मत करना, मिस मत करना। ये कहां मिलेगा, तो आपको SSC कैटेगरी में मिलेगा, कहां मिलेगा, SSC कैटेगरी में मिलेगा, बिल्कुल याद रखना,
कहां मिलेगा भाई? एसएससी कैटेगरी में मिलेगा, मेरे स्पेशल क्लास पे, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट आज। कितने 40 सवाल स्टैटिक जीके करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ठोक के जाओ यार, थोड़ा हमें भी मजा आता है, इतना एफर्ट लगाते हैं आपके लिए, है ना, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप हमारे साथ अकेडमी में जुड़ सकते हो जहां एसएससी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने कहा था 25 तारीख से प्राइस हाइक हो रहे हैं, मतदाता दिवस जो मैं बार बार कहता हूं, आज पूछ दिया था रेलवे ने, तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि प्राइस हाइक हो रहे हैं रेलवे एसएससी के। तो रेलवे दो साल का देख रहे हो 6000 है, एक साल का कितना होगा? दो साल का 6000 है, एक साल का 5000, जैसे रेफरल कोड लगाते हो बाबा टेन, तो दो एक साल का अगर जोड़ोगे तो सीबीटी 1 चल रहा है अभी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों क्रैक करोगे। आने वाले समय में रेलवे भी वैकेंसी निकालेगी, नहीं निकालेगी तो बात नहीं है, लेकिन अगर एसएससी ज्वाइन करते हो 7200, दो साल का, एक साल का 6000, बाबा टेन लगाते हो 10% रिबेट। एसएससी में सारे हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, एवरीथिंग, सब कुछ। शुक्रिया विकास, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है भाई। रेफरल कोड क्या यूज करेंगे? BA BA 10। आज स्पेशल क्लास कितने बजे होगी मैं फिर से बता दूं, 6:40 पे क्लास है आपके अनअकैडमी पे। कहां पे? एसएससी एग्जाम कैटेगरी सेट करना और जो कोड मांगेगा BA BA 10 डाल देना, ठीक है। चलिए, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर से नए समय में, नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।